नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं राकेश सिंह, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की छोटी सी वीडियो में। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था जो करंट अफेयर्स 13 अगस्त का करंट अफेयर्स था उसमें कि हम ब्रिक्स को करेंगे, ब्रिक्स नेशन के ऊपर। इस बोर्ड से एक क्वेश्चन UPPCS में या किसी भी एग्जाम में श्योर शॉट आएगा, ये गारंटी है। ब्रिक्स से हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। 3-4 पॉइंट है, फटाफट देखते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्राज़ील प्लस रशिया प्लस इंडिया प्लस चाइना प्लस साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक संगठन है जो कि 2009 में स्थापित हुआ, यात्केनबर्ग रशिया में शुरू हुआ। उस समय भारत के मुख्य राष्ट्र प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी। ये संगठन शुरुआत में 4 देशों के साथ बना था। 2010 में इसमें एस की भी एंट्री हो गई साउथ अफ्रीका की। उसके बाद से पहले इसको ब्रिक बोला जाता था, अभी इसको ब्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। दुनिया की 20% जो पूरी GDP है, माना जाता है कि इन्हीं 5 देशों के पास है। दुनिया की जब फ्यूचर सुपर पावर्स में से आपको दिखेंगे ज़्यादातर ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चारों बड़े देश हैं, बहुत बड़े देश हैं। भौगोलिक दृष्टि से टॉप 10 में हैं, और इकोनॉमिक आधार पर अगर देखा जाए तो रशिया, इंडिया, चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएँ हैं। और ये जो समिट था, 10वां समिट था, 10th समिट था, इससे पहले जो 9th समिट था वो हुआ था लास्ट ईयर चाइना में। इस साल ये हुआ जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका, क्लियर। 25 से 27 जुलाई डन हो गया। इस बार के जो सम्मेलन था उसमें 2 गेस्ट नेशन थे, मेहमान राष्ट्र टर्की और अर्जेंटीना, टर्की और अर्जेंटीना, ठीक है। इस बार के ब्रिक्स की थीम क्या थी? ब्रिक्स इन अफ्रीका, फिर डॉट करके समथिंग है, आप इतना ही याद रखो, खेल खत्म, ठीक है। ब्रिक्स इन अफ्रीका, इस बार के ब्रिक्स पे, इस बार का जो ब्रिक्स हुआ तो उस समय देखिए कि चाइना, इंडिया और अमेरिका में बहुत ट्रेड वॉर बहुत चल रहा था, ड्यूटीज लग रही थी, एक दूसरे को लोग अक्यूज़ कर रहे थे WTO में, और एक प्रकार से व्यापारिक आधार पे इन तीनों देशों में बहुत खटास चल रही थी, खासतौर से अमेरिका, इंडिया और अमेरिका चाइना में। तो जो ट्रेड वॉर अपने चरम पे था तभी बैठक हुई, तो लाजमी है कि इसका असर इस बैठक पे भी पड़ना था। इसके साथ साथ इसमें क्या बात की गई? मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, ग्लोबल गवर्नेंस होनी चाहिए, हेल्थ वैक्सीन्स के ऊपर काम किया जाना जरूरी है, ठीक है। ये से की पॉइंट्स हो गए। उसके बाद इस बार जो इंडिया ने ब्रिक्स नेशन में इंडिया ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई जाए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? जैसे कि IMF है या क्रिसिल है या मूडीज है ना, गोल्डमैन सैक्स है, ये मतलब जो क्रेडिट बताएं कि किस चीज़ का क्या क्रेडिट है ना, क्रेडिट एनालिसिस करें, तो इसके लिए बात की गई है। अभी तक इस पर कुछ फाइनल कंफर्मेशन नहीं हुआ। फिर आपको पता है कि कुछ समय पहले ही एग्जिम बैंक का MOU साइन हुआ है, भारत का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है उसका भी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता एक हुआ है ब्रिक्स देशों के साथ। ब्रिक्स देशों का एक बैंक भी है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और हमारे उसके CEO KV कामत। अभी हाल ही में ब्रिक्स फेस्टिवल ही मनाया गया, ये भी आता है ब्रिक्स का फिल्म फेस्टिवल, ब्रिक्स का फिल्म फेस्टिवल, इन 5 देशों का फिल्म फेस्टिवल जो कि हुआ इस बार डरबन में, ये भी कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का ही शहर है। और इसमें कुल 24 फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भारतीय फिल्म न्यूटन थी, राजकुमार राव वाली, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। तो बहुत छोटा, मैं चाहता था इस वीडियो को और लंबा कर सकता था, लेकिन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस बोर्ड से एक क्वेश्चन आता है वो देखेंगे आप UPPCS में, ठीक है। थैंक यू।